नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर, 14 अप्रैल को वीरभूम में करेंगे जनसभा को संबोधित। देश के सबसे उम्रदराज अरबपति महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का 99 साल की उम्र में निधन। भटिंडा फायरिंग में 4 लोगों की मौत, आतंकी हमले से किया गया इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए अधिसूचना आज करेगा जारी। कोटा में भी अतीक के काफिले को लेकर पुलिस अलर्ट पर, कई थानों की पुलिस करेगी एस्कॉर्ट। म्यांमार की सेना द्वारा किए गए हवाई हमले में कई बच्चों सहित 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। कर्नाटक चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर चल रही है बीजेपी की बैठक, जेपी नड्डा भी मौजूद। सियासी घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट, कांग्रेस में रहेंगे या बनाएंगे नई पार्टी, आज होगा फैसला। और पठान वर्सेस फाइटर, शाहरुख खान की पठान से कहीं ज्यादा दमदार होगी फाइटर, ट्रेलर ही उड़ा देगा होश, लोग कर रहे हैं दावा।